केसेस 9 लाख के करीब दुनिया में रिपोर्ट हुए थे, तो पिछले 24 घंटे में यह संख्या बढ़कर 25,26,837 केसेस हुई है। और अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें तो 7 दिन पुराना डेटा है, एन एन एवरेज 19.49 लाख केसेस दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। हमें यह लगता है कि जो 25 लाख का जो सर दिखा रहा है, जो कुछ देशों में डेटा थोड़ा लेट हुआ है न्यू ईयर ऑफ एक्टिविटी की वजह से, शायद उसकी वजह से यह ग्रोथ नोट की गई है। लेकिन अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें तो लगता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल 28% नोट किया जा रहा है। और 4 जनवरी के डेटा को फर्दर एनालाइज करके पाते हैं कि 65% के करीब केसेज 5 देशों में रिपोर्ट, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और स्पेन है। ना कि कुछ ही देशों में एक सर नोट किया जा रहा है, हमने देखा है कि पूरी दुनिया में अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स एक वाइड स्प्रेड सर नोट किया जा रहा है। जैसे कि यूरोप के करीब 12 देश अगर आप देखें तो देखते हैं कि जहां 28 दिसंबर में जितने वीक में केसेज आए और 4 जनवरी में जितने केसेज आए, उसमें दुगने एक हफ्ते में वहां पर केसेज हुए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में केसेज की संख्या में वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.57 टाइम्स वृद्धि हुई है। साउथ अमेरिका में 6 ऐसे देश हैं जहां पर कि दुगने से अधिक केसेज आए हैं। इसी तरह एशिया में अगर देखें तो फिलीपींस में तो अगर जो 28 दिसंबर वाला सप्ताह था वहां पर करीब 1,392 केसेज आए थे, वह अगले हफ्ते बढ़कर 22,008 केसेज, यानी कि 15.8 टाइम्स केसेज में वृद्धि हुई है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में भी देखें तो हम पाते हैं कि ओवरऑल दुगुना से अधिक केसेज वीक एंड वीक बेसिस पर यहां पर नोट किए गए हैं। अफ्रीका में भी केसेज में कुछ देशों में वृद्धि की जा रही है। यह विषय हम इसलिए लाना चाहते हैं कि लगता है कि ओमिक्रॉन का जो एक्सपेंशन है वर्ल्ड वाइड, उसकी वजह से केसेज में बिकॉज